ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 304 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला ये कि टू कन्वर्ट फ्रॉम अ यूजर डिफाइंड क्लास टू अ बेसिक टाइप, यानी कि कन्वर्ट करने के लिए यूजर डिफाइंड क्लास से बेसिक टाइप तक यू वुड मोस्ट लाइकली तौर पर आप यूज करना चाहेंगे क्या? फोर्थ ऑप्शन अ कन्वर्जन ऑपरेटर डेट सम मेंबर ऑफ द क्लास, और उसके बाद ये द टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज, टेक्निक जिसके अंदर हम विजुअलाइज करते हैं अवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, हमारी जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग वो कहलाता है क्या इनमें से, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद ये कि डैश रिमेन इन मेमोरी, इनमें से कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो कि मेमोरी के अंदर रहता है इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास हैज बीन डिस्ट्रॉयड, इवन के जब तमाम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लास के वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, वो है स्टैटिक वेरिएबल्स। उसके बाद ये कि फ्रेंड फंक्शंस आर डैश फंक्शंस ऑफ अ क्लास, फ्रेंड फंक्शंस जो है वो कौन से फंक्शंस हैं क्लास के, वो है नन मेंबर। उसके बाद ये कि डैश प्रोवाइड दी फैसिलिटी टू एक्सेस दी डेटा मेंबर, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी जो है एक्सेस की डेटा मेंबर, प्रोवाइड दी फैसिलिटी टू एक्सेस, एक्सेस करने की डेटा मेंबर, वो है एक्सेसर फंक्शन। उसके बाद ये कि कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट चेंज देयर स्टेट, कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते उनकी स्टेट को, ये ट्रू है फॉल्स है, सो ये ट्रू है वो कॉन्स्टेंट है वो चेंज नहीं कर सकते अपनी स्टेट। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ OOP इज यूज, इनमें से कौन सा फीचर जो है OOP का वो यूज़ किया जाता है टू ड्राइव अ क्लास, ड्राइव करने के लिए क्लास को फ्रॉम अनदर, वो है इनहेरिटेंस। उसके बाद ये वी कैन गेट ओनली वन यूनिक वैल्यू, हम हासिल करेंगे कर सकेंगे सिर्फ एक ही यूनिक वैल्यू विच कैन बी यूज बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेट क्लास बाय द यूज ऑफ डैश, सो इसका जवाब है स्टैटिक वेरिएबल्स। और उसके बाद फिर अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है क्या? वर्चुअल। उसके बाद फिर के सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन, सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है टाइप पर्सन का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट, वो है बोथ नेम भी और एज भी। उसके बाद ये डैश इज यूज, इनमें से किसको यूज किया जा सकता है टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन हिडन जो कि हिडन है विद इन एन ऑब्जेक्ट, वो है प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। उसके बाद ये कि वी अचीव इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, हम जो है वो अचीव करते हैं इंडिपेंडेंस जो है इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इंटरफेस, उसके एक्सटर्नल इंटरफेस से थ्रो, किसके जरिए? एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, वो नहीं है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, वो है इनहेरिटेंस। उसके बाद ये कि वी कैप्चर दी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, हम कैप्चर करते हैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, और जो बिहेवियर है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हुए क्या? क्लास। उसके बाद ये द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइव क्लासेस इज इन्वॉल्व इन, जो कॉन्सेप्ट है ड्राइव क्लासेस का वो इन्वॉल्व होता है किस में? इनहेरिटेंस में। उसके बाद ये कि विच कंस्ट्रक्ट, इनमें से कौन सा जो कंस्ट्रक्ट है, कौन सा ऑप्शन जो है इज द सोर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो है न्यू ऑपरेटर। उसके बाद ये डैश रिमेन इन मेमोरी इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैज बीन डिस्ट्रॉयड, वो स्टैटिक वेरिएबल, आई थिंक ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इनमें से कौन सी एक टर्म जो है मस्ट रिलेट टू पॉलीमॉर्फिज्म, लाजमी रिलेट हो वो पॉलीमॉर्फिज्म से, वो है डायनामिक बाइंडिंग। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स इट स्टेट, कौन सा जो पार्ट है ऑब्जेक्ट का एग्जिबिट करता है उसकी स्टेट को, वो है डेटा। उसके बाद ये कि इनहेरिटेंस इज अ वे टू, इनहेरिटेंस जो है वो एक तरीका है, वे है किसके लिए? एड टू एड फीचर टू एग्जिस्टिंग क्लास, एड करने के लिए फीचर एग्जिस्टिंग क्लासेस तक विदाउट री राइटिंग दैम, बगैर उनको री राइट किए हुए। उसके बाद है फिर के सपोज यू हैव, अब एक तरह का वो दिया गया है, एक केस स्टडी की तरह दिया गया है कि अ पर्सन हैज़ अ नेम एज एड्रेस एंड सेक्स, यू आर डिज़ाइनिंग अ क्लास, आप जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं एक क्लास टू रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ पर्सन कॉल्ड अ पेशेंट, दिस काइंड ऑफ पर्सन मे बी गिवन अ डायग्नोसिस हैव अ स्पाउस एंड मे बी अ लाइफ, given that the person class has already been created, what of the following would be appropriate to include when you design the patient class? So uska jawab hai registration date or diagnosis, aur uske baad ye ki what problem may occur, kaun si problem ho sakti hai when we copy objects without using deep copy constructor, jab hum copy karte hain objects ko bagair use kiye hue deep copy constructor, wo so iska jawab hai all of the given।
जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे दिए गए तमाम के तमाम हैं, जिसमें डैंगलिंग पॉइंटर है, मेमोरी लीकेज है और सिस्टम क्रैश है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।